हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो आज की जो रेसिपी मैं आपको शेयर करती हूँ वो है इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। तो यहाँ पे इमली आपको 3-4 घंटे पहले ही भिगो लेना है। फिर भिगोने के बाद आप उसमें पानी ऐड करके इमली के जो ऊपर की जो अंदर की सारी बीज है और उसकी जितनी भी बीज है उसको निकाले, उसको छलनी की मदद से छान के उसके सिर्फ पानी को निकालें और बीज को फेंक दें। यहाँ पे क्या करना है कि मैंने कढ़ाई गर्म किया है, उसके बाद जो हमने इमली की पानी ली थी तो यहाँ पे उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे गुड़ लेनी है आपको, तो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़े में काट दें, तोड़ दें या नहीं तोड़ेंगे तो भी वो पिघल जाएगा, तो यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे किचन से रिलेटेड की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और वीडियोज़ को लाइक कर दें। यहाँ पे इसके पानी को अच्छे से चला लेना है, क्योंकि पानी की जो इसकी क्वांटिटी है वो बिल्कुल ठीक होगी और चटनी ये बिल्कुल ही खराब नहीं होने वाली। आप इसको स्टोर करके 6 महीने 7 महीने बिल्कुल ही रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगी। यहाँ पे हल्का सा सौंफ, नमक और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड करनी है और थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं कि जो चटनी रेडी होने लगती है उसकी साइन ही अलग आ जाती है। गुड़ की जगह अगर आप चीनी ऐड करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल अच्छे से पका लेना है। पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी साइन और इसकी लाइट बहुत ही अलग ही हो जाएगी और सच में ट्रस्ट मी बहुत अमेजिंग बनता है। ऊपर से थोड़ा सा जीरे को भूज के उसका पाउडर बना ले और ऐड कर दें। आप इसको आप स्टोर कर लें 6 महीने 3 महीने 9 महीने आराम से खा सकते हैं, चटनी बिल्कुल ही खराब नहीं होने वाली है। तो इसको एक डिब्बे में रख के स्टोर कर ले, फ्रीज में रेफ्रिजरेट कर दे तो खराब नहीं होने वाली चटनी। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आपने आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।